और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और तो यहाँ से होगी माता जी की यात्रा शुरू, और आप बने रहें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आगे देखते और रहें। ये दोनों ने प्रसाद ले लिए माता के लिए कि ये देख सकते हो आप, और ये ले रहे हैं। ये आपकी टोकरी भी आ गई है, ये बस थोड़ा सा और चलना पड़ेगा आपको, और आगे माता का मंदिर है, तो फिर आप बने रहें, आगे आपको थोड़ा व्यू दिखाएंगे। अच्छा, अच्छे वाला, एक नंबर वाला। चलो चलते हैं। तो हमने जूते वगैरह ना नीचे ही खोल लिए, जहाँ से हमने प्रसाद लिया था ना, तो आगे जूते ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए पीछे खोलने पड़ते हैं जूते, और वहीं पे रखे जाते हैं, और वहीं से हमने प्रसाद लिया। जहाँ आप जूते खोलोगे रखोगे ना, तो वहीं से आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो आते वक्त हम शूज़ वगैरह वहीं से पहन के वापस चले जाएंगे। थोड़ा सा भी आपको चलना पड़ेगा, आधा घर किलोमीटर है ये। ऊपर काफ़ी हाइट में है मंदिर, तो जो यहाँ का ज्वालाजी का जो मंदिर है, वहाँ पे एक ज्योत है जो हमेशा जलती रहती है, बुझती कभी भी नहीं है। वो मेन चीज़ है, वो हम आपको दिखाएंगे, बस आप बने रहे। ये घर में धूनी देते हैं उसके लिए। अच्छा, और ये रतन ज्योत है, ये तो मुलाठी है ना, शाही जीरा। और ये जो मन के जैसे लगा रखी है, दवाई होती है ना गैस के लिए कोई। अच्छा, और ये सलाजी सलाजी है। अच्छा, इस तरह से मिलती है। पत्थर का गोंद होता है। अच्छा, चल। और अब ये स्टार्ट हो गया मंदिर की पौड़ियाँ, ये देख सकते हो आप। अब यहाँ से जैसे जैसे ऊपर हम जाते रहेंगे ना, हाइट काफ़ी अच्छी है, और ये देख सकते हो व्यू। ये सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई है यहाँ से, ऊपर मंदिर है, और धूप थोड़ी ज़्यादा है, और वैसे भी गर्मी लग रही है यहाँ पे ना, गर्मी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जैसे सरका घाट में ना, थोड़ी कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये बिट्टू भाई लगे हुए हैं काम पे, तो टेंशन नहीं लेनी है आप भाई। देख सकते हो। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको 4-5 सब्जियाँ खिलाऊंगा, अपनी अच्छी लगेगी। स्पेशल बनाएंगे ना ये, तो इसलिए आप, मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाऊंगा, और एक नंबर व्यू अल्टीमेट है। तो ये ले ले रहो भाई, और मैं आपको एक वृक्ष दिखाता हूँ जो कि कभी ना सूखता है, और ना ही जिसके पत्ते हैं वो हरे ही रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ये है वो प्राचीन वृक्ष, तो मैं आपको, ये है प्राचीन वृक्ष है मौलश्री का, ये देख सकते हो। मान्यता ये है कि माता रानी की कृपा से ये हरा भरा ही रहता है, चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंडा कुछ भी हो, ये सूखता नहीं है। आप ये देख सकते हैं इसको, ये मतलब कि थोड़ा उल्टा और दिख रहा है ये इस, और देख सकते हो अगर आप यहाँ ज्वाला जी के टेंपल में आए, तो इस वृक्ष के नीचे बैठना ना भूले, और छाओ में थोड़ी देर बैठे, आशीर्वाद रहता है, ऐसी मान्यता है यहाँ पे कांगड़ा में।
और ये पेड़ ऐसा है यहाँ पे मौसम चाहे कैसा भी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, और ये पेड़ सूखता नहीं, हरा भरा रहता है। और हरा भरा एक खुशहाली की निशानी होती है, इसका आशीर्वाद रहता है कि आपका घर भी वैसे ही हरा भरा रहे। ये मंदिर है, यहाँ से स्टार्ट हो गया है, आगे मैं आपको वो जोत दिखाऊंगा जो हमेशा जलती रहती है, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमेशा। तो आप, और ये है यज्ञशाला, यहाँ पे जैसे धूना वगैरह वो करते हैं, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं। यज्ञशाला का मतलब आप देख सकते हो, ये है यज्ञशाला। पंडित जी थोड़ा सा बताओगे यज्ञशाला इसमें क्या मतलब? अच्छा, और ये देख सकते हो मैंने यहाँ अयोध्य डाल रहा हूँ मैं। सर्वमंगल मंगल सर्वासाद किसम गोरी ओम प्राण स्वाहा ओम व्याने स्वाहा ओम उदाने स्वाहा ओम स्माने स्वाहा जले ज्वाला सले ज्वाला ज्वाला का समुद्र स्वप्ति स्वाहा स्वाहा सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वासाद के शरणे त्रंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम अम्बे स्वाहा ओम अम्बिके स्वाहा ओम बालिकायै स्वाहा ओम यत्संप्रसन्नं माता तत्सर्वं सम्मिताम देवी रक्षज्वाला देवी अर्पणमस्तु। ये जो करते हैं इसलिए करते हैं मतलब इससे एक्चुअली ये जो है यहाँ पर जैसे अग्नि रूप में ज्वालामय उसी प्रकार से यहाँ पर हवन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक आहुति का मतलब है 10,000 के बराबर। अच्छा, और यदि आप आहुतियाँ डालते तो इसका मतलब है ये विश्व शांति के लिए, और जैसे आपका कोई भी घर अपने कल्याण के लिए आरोग्य ऐश्वर्य के लिए होती है। अच्छा, तो ये आपने पंडित जी के मुँह से सुना आपने अपने आप की इसका क्या मतलब होता है, तो बस आप अभी बने रहे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा ज्वाला जी माता की जोत जो हमेशा जलती रहती है, उसके बारे में बताओगे थोड़ा सा जोत के बारे में? वो जोत में ये पार्वती सती पार्वती हुई थी ना। अच्छा अच्छा, तो उसका जीवा गिरी है सती माँ की। अच्छा अच्छा, तो वो उसी रूप में है, अग्नि रूप में है। अच्छा, वो बुझती नहीं है? वो नहीं बुझती नहीं, वो जलती रहती है, जलती रहती है ऑटोमेटिकली अपने प्राकृतिक नेचुरल। अच्छा अच्छा, और कई प्रकार के वो रिसर्चेस हो चुकी है यहाँ पर। अच्छा, मतलब ही किसने फाइंड आउट नहीं किया है कि क्या रीजन है इसका? जी जी, जो एनजीसी वाले सब यहाँ पर ये कर चुके हैं रिसर्च। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं मिला उनको। अच्छा अच्छा, ये शक्ति होनी माता की अपने आप प्राकृतिक रूप से अपने आप जल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, और मंदिर जो पांडवों ने बनाया है। अच्छा, पांडव के समय का जीर्णोद्धार जो है वो राजा भूमि, अच्छा अच्छा, भूमिचंद्र ने करवाया। अच्छा चलो ठीक है, आपने पंडित जी से खुद सुन लिया, तो मिलते हैं आगे। यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं हम ना माता के मंदिर दर्शन करने के लिए, तो मैं ना पीछे रह गया था, वो आगे निकल गए, तो ये देख सकते हो आप, ये यहाँ से स्टार्टिंग है। आजकल तो थोड़ा रश कम है, लेकिन नवरात्रों में बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत भीड़ होती है माता में, जिन मतलब दर्शन के लिए ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि माता का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छी बात होती है और बहुत शक्तिशाली है माता, तो इसीलिए जब भी आप यहाँ पे आए ना, तो ज्वाला जी के मंदिर में दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। ये मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, ये तो मेरे आगे ये देख सकते हो। तो बस आगे जैसे ही माता का मेन दर्शन होंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। और ये देख सकते हो अभी ना लाइन लगी हुई है, तो लाइन में दर्शन करना बहुत जरूरी होता है, और वैसे भीड़ ना आजकल बहुत कम होती है, तो ये आप देख सकते हो, और कम अभी कम ये है, तो मतलब अभी कुछ भी भीड़ नहीं है, अभी काफी भीड़ होती है ये देख। और वैसे भी नवरात्रों में बहुत ज्यादा होती है, बहुत रश होता है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे ना हमेशा ही ऐसा रहता है, पर थोड़ा बहुत ही कम हो पाती है, अदरवाइज इसी तरह की भीड़ रहती है। देखिए वैसे ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है नवरात्रों के टाइम पे, ये 0% है। और ये मैं आपको अब दर्शन कराता हूँ माता जी के, जो ये माता जी की जोत हैं ये कभी बुझती नहीं है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बहुत शक्ति है यहाँ पे, आप भी दर्शन कर लो। और ये देख सकते हैं सोने का नहीं है, अकबर का वो अंदर है नहीं, वो तो है इसको देख, ये है अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र, यहाँ पर है, ये है आपको दिखाते हैं, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र यहाँ पर है, जो अकबर ने चढ़ाया था छत्र, वो मैं आपको बताता हूँ अंदर है, वो देख सकते हो आप यहाँ, तो ये है वो,
ये आपको दिखाता हूँ, ये है वो अकबर बड़ा, वो आ जाओ ये देख सकते हो आप। ये नीचे माता का जोत है नीचे, और ये छत्तर है, ये देख सकते हो, ये नीचे मंदिर है, ये है एक नंबर व्यू है, ये सोने का ऐसा। और वो ये छत्तर है जो अकबर ने चढ़ाया था, ये देख सकते हो आप ये वाला, और ये सामने लिखा शाहजहां अकबर का छत्तर, ये देख सकते हो आप। और पीछे ये देवी माँ की मूर्ति है, और ये आप यहाँ व्यू देख सकते हो, पीछे लोग दर्शन कर रहे हैं माता के, ये देख सकते हो। अरे वंदना कहाँ गई भैया, आप भी बोलो कुछ। बस बोल दिया जो भी बोला, इन्होंने बोल दिया अच्छे से जा जाके, बस 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 सब। और ये अभी हम ये देख सकते हो, ये इसकी हिस्ट्री पूछते हैं पंडित जी से, बता नजर थोड़ा सा, ये ध्वजा जी जो वाला दिखता है, इसकी परिक्रमा लेते हैं। अच्छा तो हम भी ले लेते हैं परिक्रमा, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे आना तो परिक्रमा लेना बिल्कुल ना भूले जहाँ, या तो बता रहा हूँ ये है, देख सकते हो। इसको ना बड़ी जल्दी जल्दी लगी रहती है, इसलिए खींच रही है कि जल्दी जल्दी कर ले। आप यहाँ से लाओ ना, ये चलता रहेगा आपके पीछे पीछे, आप कोई ऐसे खड़े होने की जरूरत है। बहुत जल्दी अब देखते हैं ऊपर, ऐसे करके चलो आपके साथ, चलो अरे ऊपर जा, चल रहे हैं। और ये सोने का है, ये पूरा जो छत्तर है ये सोने सोने का बना हुआ है, ये थोड़ा सा सोने में भी डाल दिया, ले लिया हमने भी थोड़ा सा, ये देख सकते हो। और ये मेरे पीछे का व्यू है, एक नंबर अल्टीमेट व्यू है, और ये देख सकते हो आप पीछे ऊपर पहाड़ियाँ हैं, ये देख सकते हो, ये ऊपर पहाड़ियाँ हैं, ये देख सकते हो। और अभी हमारे दर्शन हो गए माता रानी के, और बस अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ का व्यू, पर यहाँ थोड़ी सी पीछे ये देख सकते हो, और यहाँ ना धूप बहुत तेज़ लगी हुई है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो बस अब बैग चलते हैं। और वरना कुछ बोलोगे नहीं कि एक नंबर की अल्टीमेट, तो माता के मंदिर पे आने के बाद ना थोड़ा सा प्रसाद तो लेना ही पड़ता है। हाँ हाँ वही। ये प्रियंका हाय कर रही है, हाय। चलो तो जाने का टाइम आ गया है अब नीचे, और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं ब्लॉग की एंडिंग करता हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।